सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ट्रूथ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल ट्रूथ यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीजी पोर्टल के लिए। पीजी पोर्टल क्या है? पीजी पोर्टल एक तरह का एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम जो आ रही है आपको उसका हल आप पा सकते हैं। तो ये cpgrams.home के नाम से पोर्टल आता है। तो cpgrams.home के ऊपर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। ये आप कंप्लेंट, इनकी ऐप भी आती है, आप ऐप से भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और ऐप के अलावा आप ये आप गूगल क्रोम पे जाके अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं ये अपने लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आपको कि इस पोर्टल की खास बात ये है कि यहाँ से आपको 30 दिनों के अंदर अंदर कोई भी आपने स्कीम अप्लाई करी है और उसका आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो यहाँ आप ग्रीवेंस डालिए। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस का एक पोर्टल है। अब यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आपको है, तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है यहाँ पर। दोस्तों इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इस पोर्टल पर आपको बहुत जल्दी रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रॉपर्टी आईडी जो कि हरियाणा में चलती है उसके लिए अप्लाई किया था, बट 2 महीने से ऊपर हो गया है, वो प्रॉपर्टी आईडी अभी तक बनी नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ग्रीवेंस लगा रहा हूँ ये सेंट्रल हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं साइनअप करने जा रहा हूँ, क्लिक हियर टू साइनअप पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे आपको। अब दोस्तों जिसके नाम से आपने या फिर अपने नाम से या फिर जिसके भी नाम से आपने ये प्रॉपर्टी आईडी जो है ग्रीवेंस प्रॉपर्टी आईडी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी उसके लिए आपको यहाँ पर उनका नाम डालना है। और उनका नाम डालने के बाद आपको मतलब कि प्रॉपर वही नाम डालना है जो उनके आधार कार्ड में है, और जिस नाम से आपने प्रॉपर्टी आईडी को लिए अप्लाई किया था वो नाम आपको यहाँ से डालने देना है। दोस्तों ये मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो पोर्टल है cpgrams, ये एक बहुत ही ख़ास पोर्टल रहने वाला है उन सभी के लिए जो जिनका काम जो है बहुत ही ढीला डाला होता है। क्योंकि कई लोग अपनी फाइल्स जो हैं, मान लो आपने कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है या कोई भी आपने किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना कोई भी फाइल अप्लाई करी है, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कुछ भी अप्लाई किया है, और उनका जवाब 5-5, 6-6, 2-2, 3 महीने हो गए हैं, डेडलाइन ख़त्म हो गई है, बट उनका काम वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आप उनकी ग्रीवेंस लगाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसका हल ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा रहने वाली है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ से आप लगाइए, 10 आपका बहुत जल्दी यहाँ पर काम होता है। तो इस तरह से जैसे आप एक फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी जो है आप अपनी बनाते हैं, उसी तरह से ये आईडी आपको बनती है। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है आपको। देखिए मैं अभी दोस्तों यहाँ से कर रहा हूँ साइन अप, जैसे आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं वही सिस्टम यहाँ पर यूज़ होने वाला है। देखिए इस तरह से मैंने फ़ोन नंबर यहाँ डाल दिया, ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप यहाँ पर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे ना उस ईमेल के ऊपर मेल आता है, उस मेल के ऊपर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है, उसके बाद आपकी आईडी ओपन होती है, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। इनकी एक सिक्योरिटी है ये, क्योंकि हर कोई किसी और की ईमेल आईडी डाल, दिखे इन्होंने बोल दिया मुझे कि आपकी ईमेल आईडी पर एक जा चुका है ईमेल और उस पर आप क्लिक करिए, तो सिक्योरिटी पर्पज़ की तरफ से मैं वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ईमेल वेरीफाई कर लिया और मैंने अपनी आईडी को लॉगिन भी कर लिया है। देखिए वेलकम जतिन कुमार, इस तरह से दोस्तों ये पोर्टल आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से इस पोर्टल के अंदर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देखने के लिए मिल रही है। जैसे देखिए यहाँ से आप अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपने ग्रीवेंस डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, कोई पब्लिक ग्रीवेंस डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं अभी देखिए मैंने एक 0 ग्रीवेंस दिखा रहा है और 0 ही यहाँ से मेरी पेंडिंग और 0 ही रेजोल्यूशन क्लोज दिखा रहा होगा, इस तरह से आपको भी दिखेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना है ये है कि जो भी आपने ग्रीवेंस लगानी है उसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर टाइप कर लेना है आपने सारी बातें जो भी आपने आपके साथ हुआ है, मतलब कि जो भी आपने स्कीम के लिए अप्लाई किया था और उसको आपको क्या मिला है, तो वो आपको सब अप्लाई कर लेना है। उसके बाद देखिए लॉज पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, और ये चेकबॉक्स जो है देखिए इस तरह से ये कुछ इस चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट का नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको सबमिट करना है।
और ये बस जो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऊपर लिखी हैं वही आपको सर्विस देखने के लिए इसमें जो इस पोर्टल से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह से कुछ आपको डिपार्टमेंट्स के दिखेंगे कि आपने किस डिपार्टमेंट के ऊपर ये ग्रीवेंस लगानी है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, आपके सामने आ रहा होगा। अब आपने कौन से डिपार्टमेंट में लगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है इंडिया के पास, तो ये आपको देखना है कि आपको क्या। मैंने तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगानी है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ से आता है। यहाँ से दोस्तों देखिए, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना हरियाणा। आप उत्तर प्रदेश के हैं, बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, जहाँ के भी हैं आप अपना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगा सकते हैं ग्रीवेंस। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं दोस्तों। देखिए एक्चुअली मैं वैसे तो सीधा लगा देता, बट मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, आप देख रहे होंगे अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों वैसे तो मैं टाइप करके भी यहाँ से कर सकता हूँ, बट यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है इसके ऊपर। अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, रिडायरेक्ट हो रहा है आगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली अपना बायोडाटा देना है, जो आप कंप्लेंट लगा रहे हैं, अपना नाम, मेल, फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। और नीचे आपको जो भी आपकी कम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक प्रिंटआउट के ऊपर, एक पेज के ऊपर हिंदी में है, ये पेज के ऊपर हिंदी या इंग्लिश में अपनी हाथों से या फिर टाइप करवा के अपनी सारी बातें लिखनी है, उसको स्कैन कर लेना है पीडीएफ फाइल बना के, फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है और सारी बातें अपनी जो नीचे दी हुई है उसमें, ये देखिए सारी बातें उसमें लिखनी है, और उसके बाद ही आपका रिजर्वेशन ठीक से मिलेगा। आपको प्रॉपर बताना है कि आपको आपकी डिमांड क्या है, ग्रीवेंस किस रिगार्डिंग, आपको प्रॉपर सारी बातें लिखनी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत लिख के चेज होना। देखिए यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पे जाकर जो भी आपका है, एक MB से कम में रखना है। तो मैंने पहले से ही एप्लीकेशन स्टेटस का एक PDF लगाया हुआ है, मैंने वो अपलोड कर लिया और यहाँ से उसे मैं अटैच कर दूँगा। देखिए 1 MB के अंदर अंदर बोला जाता है, 1 MB के अंदर। अब 1 MB के अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ आ जाता है अच्छी क्वालिटी में। यहाँ से आपको अपनी सारी बातें लिख लेनी है दोस्तों। मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ डियर हरियाणा गवर्नमेंट लिख के, बट आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश में ही टाइप करना है, बाकी ये कहते हैं कि इंग्लिश में ही चलता है यहाँ पर, बाकी कोई बात नहीं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं सिंपल सी बात कि डियर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, डियर स्टेट गवर्नमेंट प्लीज़ प्रोवाइड अस रेजोल्यूशन विद इन अ टाइम फ्रेम फॉर रेफरेंस PDF इज़ अटैच्ड। मतलब कि उनका आपका कहने का मतलब ये है कि आपने PDF में अपनी सारी बातें लिख दी हैं, आप वहाँ से बातों को पढ़कर और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हल दीजिए। देखिए मैं ये सारी बातें यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर, बट आपको वीडियो ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं से वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि एंड के अंदर ही जाके ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या रिजोल्यूशन कहाँ पर चेक करना है आपको और कैसे पता लगेगा आपको, तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बीच में वीडियो छोड़ के जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। दो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप वीडियो देखते रहिए,
और मैं ये कुछ जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेंशन करने में ही थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें हमने बातें क्योंकि हम छोटी मोटी जगह ग्रीवेंस नहीं लगा रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ग्रीवेंस लगा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ आपको ग्रीवेंस लगाने का मतलब होता है किसी तो सरकार से दो दो हाथ करना, बट ऐसा नहीं है, आप अपने हक़ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर सबको अपने अधिकार है अपनी बात रखने का। तो हमारा राइट टू जो आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, सब कुछ हमारे पास ही आता है। तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया ये काम करने का, तो हमारे पास ये पोर्टल भी इसीलिए ही बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, इसलिए मैं सारी बातें लिख रहा हूँ इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। आपको दोस्तों हर चीज़ लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मनगढ़ंत लिख के यहाँ से भेज देना है। ये देखिए इस तरह से सारी जानकारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और नीचे कैप्चा कोड जो है सिक्योरिटी कोड वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। कैप्चा कोड डाल दिया दोस्तों, सबमिट करने की बारी है, अब एक बार देख लीजिए सारा सही लिखा है नहीं लिखा आपने, उसके बाद सबमिट करना है। अब कर रहा हूँ मैं सबमिट। अब देखिए दोस्तों ये जो है ना इसकी फ़ोटो खींच लेनी है आपको, ये लिखा है आपके पास ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस नंबर से ही आपको अपनी सारी जानकारी है वो मिलने वाली है। इस नंबर को अगर आप स्टेटस जब अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे तो इसी नंबर से चेक होने वाला है ये नंबर। वैसे तो ये जो ग्रीवेंस है इसका मैसेज आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर विद इन 2 आवर में आ जाता है, बट फिर भी इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना ग्रीवेंस नंबर जो है इसकी फ़ोटो खींच लेनी है, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहीं से कंट्रोल पी दबा के इसकी इसका प्रिंटर को अपने इसका प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है, क्योंकि यहीं से आपको, क्योंकि कल को आप बता भी सकते हैं कि हमारे हमने यही ग्रीवेंस लगाया था। वैसे तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो इस पर ग्रीवेंस अपने आप लिखा जाता है कि हाँ जी इस बंदे ने ये ग्रीवेंस यहाँ पर लगाया था, बट फिर भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एप्लीकेशन स्टेटस का, तो एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए रहा, ये एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपके पास ये ग्रीवेंस नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ग्रीवेंस नंबर नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख ही नहीं पाएंगे कि क्या एप्लीकेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे कैप्चा डाल के आपको यहाँ से नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों देखिए देखिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ग्रीवेंस है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये देखिए मेरी ग्रीवेंस मैंने अभी आज लगाई, और ये ग्रीवेंस मार्क किसको हुई है, ये श्री राजीव कुमार जी को मार्क्स को गई है, जो कि IAS हैं हरियाणा के अंदर, उनको मार्क की गई है। देखिए कितने बड़े लेवल पर दोस्तों, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी, ऐसे प्रिंट लेकर प्रिंट भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये ग्रीवेंस लग गया दोस्तों, और ये ग्रीवेंस लगाने के बाद मुझे लगता है कि 10 से 12 दिनों के अंदर रेजोल्यूशन मिल भी जाएगा, और मैं बताऊँगा अभी आपको वीडियो बना के कि इसका रेजोल्यूशन हमें मिल चुका है या नहीं मिला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इसके बाद भी मैं दूंगा, तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट आप डालते हैं, आप किसी भी हरियाणा के अंदर किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, और आपको आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस डालिए, आपकी सुनवाई 100% होगी, क्योंकि ये जो है पोर्टल ग्रीवेंस के लिए ही बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को के लिए ही बनाया गया है, जो प्रशासनिक सेवा के अंदर लोग हैं उनके लिए ही ये ग्रीवेंस, उनको उनको ध्यान में रखने के। देखिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है इस तरह से अपलोड किया था, और मैंने PDF चेक भी कर लिया है कि मैंने सही तरीके सही जगह चीज़ जो अपलोड करी है या नहीं करी है, तो बिल्कुल सही चीज़ अपलोड करी है मैंने PDF बना के। तो किसी भी तरह के दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आने वाली है, बहुत ही खास पोर्टल बनाया हुआ है ये सभी के लिए, इसको ऐसी बात नहीं है। तो पोर्टल जो है आपको तरीके से यूज़ करना है, और इसकी एक ऐप भी आती है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर माई ग्रीवेंस, जी हाँ दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे जाके माई ग्रीवेंस नाम से
ऐप आती है, आप वहाँ से भी अपना अपने आप को रजिस्ट्रेशन करके, जैसे आप फेसबुक पर अपनी आईडी बनाते हैं वैसे ही अपनी आईडी बनाकर आप सिंपल अपनी ग्रीवेंस जो है वो लॉज कर सकते हैं। और इस तरह से ही आप, जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीवेंस डाली है, वैसे ही आप वहाँ पर भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। दोस्तों आपको प्रॉपर सारी जानकारी देख लेनी है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी वीडियो बनाते हुए मेरे पास मैसेज भी आ गया, वैसे मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया था 2 घंटे के अंदर आना, बट मेरे पास अभी मैसेज आ चुका है कि हाँ जी आपकी ग्रीवेंस जो है वो लॉज हो गई है और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, और आपको जैसे ही आपकी ग्रीवेंस क्लोज़ की जाएगी तो आपको उसके लिए इंटीमेट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर जब ये ग्रीवेंस क्लोज़ होएगी तो मुझे इंटीमेट भी किया जाएगा, मुझे बताया जाएगा ग्रीवेंस क्लोज़ हो गई है आपकी और आपका जो वर्क है वो कम्प्लीट हो चुका है। और अगर आपको उससे भी कोई आपत्ति है, उससे भी कुछ लगता है, तो आप उस ग्रीवेंस के ऊपर भी आप अपनी अपील कर सकते हैं। वो सुविधा भी ये पोर्टल देता है आप लोगों को। मान लो आपकी आपने ग्रीवेंस लगाई थी, उस ग्रीवेंस पर काम भी हुआ बट काम आपके अनुसार नहीं हुआ, मान लो आपने कुछ फॉर्म भरा था या कुछ भी करा था उसकी प्रॉपर तरीके से उसका पर काम नहीं हुआ, तो वो सुविधा भी ये पोर्टल आपको देता है अपनी ग्रीवेंस के ऊपर अपील लगाने का। जैसे RTI के ऊपर अपील लगती है वैसे ही ऑनलाइन, क्योंकि आप घर बैठे ही अपना, आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दफ्तर में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल पर अपना ग्रीवेंस लगा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा पोर्टल है दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट का काम करता है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। नमस्कार आप सभी।